शब्द से निशब्द तक अनंत श्री के साथ हम पांचवें शिव सूत्र में प्रवेश करते हैं। आत्मा चित्तम कलादीनाम तत्वानाम विवेको माया मोहा वरणात सिद्धि मोह जयादन भोगात सहज विद्या जया जागृत द्वितीय करह। अर्थात आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता है। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है ऐसा बोध होता है। इसमें जो बात कही है वो अपने आप में अद्भुत है। पहले ही सूत्र में वो कहते हैं, इस पांचवें सूत्र के पहले पड़ाव पर, आत्मा ही चित्त है। अब अगर इसको इंग्लिश में हम कहें कि योर माइंड इज योर सोल, तो कई बार बात समझ में नहीं पड़ेगी। लेकिन शिव कहते हैं कि आत्मा और चित्त में, यानी कि तुम्हारे मन में और तुम्हारी चेतना में कोई भेद नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी है वो उस चेतना का ही एक स्वरूप है। तुम्हारा मन कहीं और से नहीं आया या तुम कहीं और से नहीं आए हो। वो जो आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर की असीमित चेतना है, वही मन की तरह से भी प्रकट होती। इसको दूसरे ढंग से देखें तो शिव ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें सूक्ष्म दिखाई देता है वो भी विराट का ही हिस्सा है। यानी कि जो तुम्हें अंश जैसा जान पड़ता है वो भी पूर्ण का ही हिस्सा है, उसमें भी वही समाया है। जो विराटता है वो कहीं भी उसी तरह से शामिल है, देख पाने की क्षमता पर निर्भर करता है। जो लहर है उसमें भी सागर उतना ही है, जो बूंद है सागर उसमें भी उतना है, जो नदी है जो झरना है सागर उसमें भी उतना है, और सागर अपने आप में भी उतना है। अगर आत्मा का या चेतना का फैलाव ही हर ओर ना होता तो किसी समाधान की गुंजाइश भी नहीं होती, फिर सारी चीजें अलग अलग काम करती। अब जिसे मन कहते हैं, अगर उसे हम सही अर्थों में देखें तो वो कुछ ऐसी घटना है जैसे हम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को एक सागर की तरह देखें और हमारा जो शरीर है वो तट की तरह हो, एक किनारे की तरह, और सागर का जल जब उस किनारे से टकराता है तो जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जो लहरें उठती हैं, वही मन बन जाता है। यानी कि जब तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर के पदार्थ से टकरा कर मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है, तो वो घटना मन की तरह जानी जाती है। वो है चेतना ही, वो है आत्मा ही, लेकिन वो किसी तट से टकरा कर उठ गई एक लहर है, वो उससे अलग नहीं है। इसीलिए किसी भी क्षण इस बोध को उपलब्ध होने पर मन का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। मानसिक जितना भी उलझाव है वो तत्क्षण समाप्त हो सकता है, किसी क्षण भी समाप्त हो सकता है, अगर ये बोध आ जाए कि ये जो अंदर का उलझाव है ये भी वो परम आत्मा ही है जो किसी वजह से, किसी कारण से उलझ गई। अब उलझ गई है इस बात से ऐसा नहीं है कि वो अपना मूल्य खो देती है, लेकिन जब हम उस उलझाव से, उस उलझन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपना तादात में जोड़ लेते हैं, तब समस्या पैदा हो जाती है। बात को समझ। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सोने की
लंबी सी चेन हो, उसे तुम बड़ा कीमती मान रहे हो, जिसे तुम आभूषण की तरह पहन भी रहे हो, और वो उलझ जाए, उसमें बहुत सारी गांठें पड़ जाएं, तो तुम क्या करोगे? तुम उसे फेंक दोगे या तुम ये मान लोगे कि ये बेकार हो गई है? क्योंकि तुम उस सोने की चेन में अच्छे से जानते हो कि सोना ही है, तो तुम बड़े जतन से उसको सुलझा लोगे और कोई परेशानी भी नहीं होगी उलझने में। हो सकता है वो इस तरह से उलझ जाए कि सुलझे ही ना, तो तुम उसको गला कर दूसरी चेन बनवा लोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि सोना है। ऐसे ही जब तुम अपने मन को किसी भी ग्रंथि में उलझा हुआ देखो और ये अंतर्दृष्टि तुम्हें मिल जाए कि है ये चेतना का ही एक ढंग जो उलझ गया है, तो निवारण होने में देर नहीं लगी। लेकिन हम अलग से जब उसका निवारण करने लगते हैं तो हम कहीं दूर निकल जाते हैं। चेतना पर फोकस, हमारी आत्मा पर हमारा स्थित हो जाना, वहां पर अपने जीवन के ऊर्जा स्रोत को इकट्ठा कर देना, जीवन में सारे समाधान ले आना। शिव कहते हैं कि ये जो चित्त है ये भी आत्मा है, अर्थात यहाँ जो तुम्हें व्यर्थ जैसा भी दिखाई देता है उसमें भी सार्थक ही छुपा है। इसलिए एक अर्थ में देखा जाए तो व्यर्थ कुछ है भी नहीं, सब सार्थक ही है। बस हमें जो काम करना है वो अपने विवेक के साथ, अपनी अंतःप्रज्ञा के साथ, अपनी इनर विजडम के साथ उस सार्थक को उभार लेना है। अब जैसे कोई दर्पण हो, उसके ऊपर धूल जम जाए तो इससे दर्पण व्यर्थ नहीं हो जाता, तुम धूल को झाड़ देते हो, दर्पण अपनी जगह। कल्पना करो कि तुम महीने भर ना नहाओ तो अपने को डस्टबिन में थोड़े डालाओ कि गंदे हो गए हैं डस्टबिन में डाल दे, तुम नहा धो के फिर से वैसे ही हो जाते हो जैसे हो, क्योंकि तुम जानते हो भले ही तुम गंदगी के आवरण में छुप गए हो लेकिन हो तो तुम वही। और शिव के प्रभाव में कुछ ऐसी साधनाएं भी विकसित हुई जो इसका बड़ा ही स्थूल प्रयोग भी करती रही। शिव के प्रभाव में अघोर मार्ग भी पैदा हुआ और तंत्र के कुछ अन्य मार्ग भी पैदा हुए, जो हर उस चीज का उपयोग अपनी साधना में कर लेते हैं जिसको जनमानस घृणित, क्षुद्र और व्यर्थ का समझता है। कुछ ऐसी साधनाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम महीने भर ना नहाओ, तो कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं जो शैव साधना पद्धति से ही निकली हैं, जिसमें साधक महीनों क्या सालों नहीं नहाता, कभी कभी कूड़े के ढेर पर भी रहने लगता। एक बार ऐसे ही सिद्ध की एक घटना मुझे पता चली थी कि एक मेरे मित्र थे और वो एक व्यक्ति को अक्सर कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ देखते, कुत्ते भी उसके पास आके बैठ जाते थे, कोई खाना डाल जाता था तो वो वहीं कूड़े के ढेर पर बैठकर खाना खा लेता था और कुत्ते भी उसके पास बैठकर उसी के साथ खा लेते थे। तो उनको लगा कि बड़ा अजीब है, तो हमारे मित्र ने भी तंत्र और मंत्र विज्ञान पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई थी, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्हें का बड़ी जिज्ञासा हुई। एक दिन उन्होंने कहा कि मैंने उसको सोचा कि सहायता करें, पता नहीं किस मुश्किल में है, तो मैंने उसको 1000 रुपये की नोट निकाल कर दी कि इससे तुम कुछ अपना काम कर लेना। यानी हमने नोट रख दी, वैसे ही पड़ी रही, कल अगले एक दो दिन तक भी पड़ी रही, वो उसने उसको छुआ भी नहीं, क्योंकि उसकी आंखें ऐसी थी कि उन्हें कह रहा, उनका कहना था कि मैं भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे ये लग रहा था कि ये सामान्य नहीं है व्यक्ति, क्योंकि ये विक्षिप्त भी नहीं लग रहा है, ये भिखारी भी नहीं लग रहा है, और ऐसे कूड़े के ढेर पर कूड़े की तरह पड़ा हुआ। एक दिन वो कह रहे थे कि मैं निकल रहा था तो मुझे और आश्चर्य हुआ, एक बड़ी लग्जरी कार उसके पास रुकी, उससे एक दो महिलाएं उतरी,
और साष्टांग दंडवत किया उसे, कुछ बातें करी उससे और चली गई। तो खैर हमने कहा मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। फिर एक दिन वो एक बुक शॉप पर, कई महीने के बाद उन्होंने कहा कि एक बुक शॉप पर मैं गया हुआ था, बीच में वो व्यस्त हो गए, बात उनके दिमाग से उतर गई। कल मैं पुस्तक देख रहा था तभी पीछे से एक व्यक्ति बहुत ही अच्छे कपड़ों में, बहुत ही संभ्रांत कपड़ों में घुसा और उसने भी किताब उठाई। मैंने उन्होंने कहा उसकी आंखें देखी तो मुझे लगा कि इन आंखों को मैंने कहीं देखा है। फिर मैं याद करता रहा कहाँ देखा है। जब मैंने उसे और गौर से देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर मैं जिज्ञासा के साथ उसके पीछे पीछे उतरा और सामने एक बड़ी लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर बैठा तो मैंने जाके उसे पकड़ा। वो कहने लगे और मैंने पूछा कि भाई आप कौन हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको मैंने वहाँ कूड़े के ढेर पर देखा था क्या? तो उसने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने 1000 रुपये का नोट भी डाला था। तुमने कहा ये सब क्या है ये गाड़ी? बोले हाँ मेरी ही है। कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तो उसने कहा मैं साधना में था। उस साधना की अनिवार्यता यही थी, कूड़े के ढेर पर रहे। वैसे देखा जाए तो अगर मेरा चुनने का विषय हो तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं चुनता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है और रिफाइंड तरीकों से हम साधना को गति दे सकते। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी पद्धतियों का उपयोग भी किया गया है, केवल ये स्थूल रूप से दिखाने के लिए कि कुछ भी अंतर नहीं डालता तुम्हारे चेतना, तुम जो हो वही रहते हो, न गंदगी न कूड़ा न कुछ, कुछ भी त्याज्य नहीं है। और इस बात को केवल उतारने के लिए मन ये बाहर के उपाय डाल दिए जाते कि व्यक्ति घृणा से इन सारी बातों से ऊपर उठ जाए और वो ये देख पाए कि जिसको हम गंदगी का ढेर समझते हैं उसमें भी उतना ही परमात्मा बसा हुआ है जितना कहीं और। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि तुम अपने घर में गंदगी का ढेर लगा। इन बातों कहने से मैं इसलिए थोड़ा बचता हूँ क्योंकि कुछ लोग प्रेरित होकर ऐसा भी करने लग सकते हैं, क्योंकि लोग प्रेरणा लेने में बहुत आगे रहते हैं। अभी सर्दियाँ भी हैं, अगर मैं ये बात कह दूं कि उचित है तो कुछ लोग भी 10-15 दिन तो नहाना बंद ही कर देंगे। सोचेंगे जब ऐसा ही ठीक है तो ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन तुम पूरी तरह संतुलित रहते हुए जिस अंतर्दृष्टि को जान सकते हो कि सब एक ही का फैला, इसी को शिव कह रहे हैं कि आत्मा ही चित्त है। यानी कि मन को अगर तुम देखो तो जितने भी गुरु लोग होते हैं मन की आलोचना करते ही पाए जाते हैं, मन से मुक्त हो जाओ, मन को हटा दो, मन को विसर्जित कर दो। और शिव कह रहे हैं कि मन ही आत्मा है, चित्त ही आत्मा है। ये बात तो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। अगर चित्त ही आत्मा है तो उससे संघर्ष भी क्या करना? और यहीं पर शिव की गहनता मंत्र दृष्टि है कि मन से किया गया संघर्ष ही तुम्हें मन में उलझाता है, और मन का दृष्टा हो जाना, जान लेना कि वो एक प्रतिबिंब है, उससे तुम्हें मुक्त कर देता है। जब तुम अपने मन के दृष्टा हो जाते हो तो मन कहीं पाया नहीं जाता, तब तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो। और जब तुम मन से संघर्ष करने लगते हो तो मन में उलझ जाते हो। लोग हैं जो अपने अहंकार से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, जितना वो अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करते हैं उतना अहंकारी हो जाते हैं। अक्सर तुम योगियों को साधुओं को देखोगे, और मैं समझता हूँ कि तो बड़ी फंडामेंटल बेसिक टीचिंग होती है कि अहंकार मुक्त हो जाओ, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, और उनका अहंकार और बढ़ता चला जाता क्योंकि वो अहंकार पर फोकस्ड हो गए। उनको लगता अहंकार कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें मुक्ति पानी है, और वो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है जो उसको इस तरह देख लेता है कि ये जो भाव हमारे भीतर उठा है ये भी परमात्मा का ही भाव है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उठ गया है तो उठ गया है, चला जाएगा।
तो उठता है और चला जाता है एक बादल के टुकड़े की तरह। तुम उसे आइडेंटिफाइड नहीं होते, तुम उसे पकड़े नहीं जाते। तो इस भावदशा के साथ ही तुम अपने मन से मुक्त हो पाते हो जब तुम इस सूत्र को समझते हो। ये बड़ा ही क्रांतिकारी सूत्र है। इस तरह की बात प्रायः सुनने में नहीं आती। और इसके आगे जो शिव कहते हैं वो और सुंदर है। वो कहते हैं, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। अब ये दूसरी बात है, सारे धार्मिक लोग इस बात की भी निंदा मिलने निरंतर लगे रहते हैं, सब माया है, माया से मुक्त होना है। और जितना माया से मुक्त होने की कोशिश करते हैं उतना ही उस माया में धंसते जाते हैं। बाबा लोगों को देखो, एक माया से मुक्त होते हैं और दूसरी माया में उलझ जाते हैं, यानी उनकी अपनी ही एक माया है। शिव कहते हैं, कला आदि तत्वों का अविवेक माया है। कला आदि तत्वों का तात्पर्य है कि जीवन के निर्माण के जो तत्व हैं, जीवन को जो अर्थ देने वाले तत्व हैं, उनके प्रति जिसका विवेक नहीं पैदा हो, जीवन के अर्थ के प्रति जो नहीं जागा वो माया में उलझता है। जीवन में सार्थक भी है, व्यर्थ भी है। विवेक को भाषागत रूप से जब हम देखते हैं तो उसका अर्थ भी होता है कि व्यर्थ और सार्थक में भेद करने की क्षमता। पतंजलि अपने योग सूत्र में विवेक की यही परिभाषा करते हैं कि जब तुम भेद ज्ञान को उपलब्ध हो जाते, यानी कि सार्थक और व्यर्थ का भेद कर पाते। जीवन में सार्थक भी है और व्यर्थ, साथ साथ चल रहा, और तुम उसमें ही विवेक पूर्वक अंतर देख पाते हो। इसीलिए जीवन प्रतिक्षण चुनाव है। जो जीवन के प्रतिक्षण चुनाव को उपलब्ध हो जाता है वो चुनाव रहित हो जाता है। जैसे जी कृष्णमूर्ति कहते थे, चुनाव रहित सजगता, च्वाइसलेस अवेयरनेस। लेकिन उस चुनाव रहित अवस्था में पहुंचने के पहले तुम एक निरंतर चुनाव की धारा से गुजरते, और जब तुम्हारा स्वभाव हो जाता है तुम चुनाव रहित हो जाते। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि अब कई बार लोग जब जय कृष्णमूर्ति से प्रभावित हो जाते हैं चुनाव रहित से, तो सारे उल्टे सीधे काम शुरू कर देते, कहते हैं चुनना ही क्या है चुनाव रहित। तो चुनाव रहित सजगता के नाम पर लोग सारी मूर्खताएं करते हैं। कहते हैं, देखिए कृष्णमूर्ति जी ने कहा था कि चुनना ही नहीं है, तो हम चाहे ये करें चाहे वो करें क्या अंतर पड़ता है, और हम सजग हैं, चुना कुछ नहीं और जागे हैं। ऐसा नहीं हो, चुनाव एक अंतर्दृष्टि है। अब जैसे तुम इस कक्ष में बैठे, तुम चुनने का प्रयास नहीं कर रहे हो कि दीवार को चुनना है या दरवाजे को चुनना है, द्वार को चुनना है, लेकिन तुम्हारी अंतर्दृष्टि ही तुम्हारे लिए काम कर रही। जब तुम उठोगे तो द्वार से ही निकलोगे, दीवार से नहीं। विवेक धूमिल हो जाए, अभी तुम आतंक से भर जाओ, अभी मान लो कुछ ऐसी घटना घट जाए और तुम्हारा चित्त आतंक से भर जाए, तुम्हारा विवेक खो जाए, तो अभी छोटे से कक्ष में ही एक आदमी तो दीवार से निकलने की कोशिश कर ही डाले, ये जानते हुए कि इधर से रास्ता नहीं, वो उधर ही भाग कर टकराए। अक्सर भगदड़ में ऐसा होता है, तुम्हारा मन इतना अशांत हो जाता है कि तुम उन रास्तों की ओर भी जाते हो जो तुम्हें पता है कि रास्ते नहीं है। चुनाव रहित का अर्थ है कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, तुम विवेक को उपलब्ध हो गए हो, तुम्हें सार्थक दिख रहा है, तो तुम्हें चुनना ही नहीं पड़ रहा। और जब तक वो नहीं दिखे तब तक विवेक का उपयोग करके तुम्हें चुनाव कर लो। अब सार्थक और व्यर्थ के साथ भी बड़ी सुंदर बात है कि व्यर्थ तुम्हें सहजता में उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए जो सहज मार्गी हैं वो भी बड़ी अड़चन में पड़ते हैं, क्योंकि सहज में तुम्हें सब कुछ कूड़ा करकट उपलब्ध होता है और सार्थक के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा श्रम करना पड़ता है। जब कहा जाता है कि प्रयास रहित हो जाओ तो कुछ लोग सोचते हैं कि
प्रयास रहित हो जाते हैं, क्योंकि प्रयास करने में अड़चन। लेकिन जीवन बड़ा विरोधाभासी, प्रयास रहितता उपलब्ध होती है प्रयास के चरम पर। जब प्रयास पूरा हो जाता है तो तुम प्रयास रहित हो जाते हो, उसके पहले ऐसा नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी व्यर्थ है वो तुम्हें ऐसे ही उपलब्ध है बिना किसी प्रयास के। अगर तुम्हें कुछ गलत करना हो, तुम्हें नकारात्मक रास्तों पर जाना हो, तुम्हें प्रयास नहीं करने का, बहुत आराम से वो तुम सब कर लोगे। जीवन की नकारात्मकता को उपलब्ध होने के लिए क्या कभी कोई प्रयास करता है? वो तो तुम्हें ऐसा ही उपलब्ध हो जाती। लेकिन जीवन की सकारात्मकता की ओर, उसकी विधायकता की ओर जाने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ता है, वही साधना। और प्रयास में कोई बहुत परिश्रम की बात नहीं, केवल दृष्टि की बात, विवेक की बात। जीवन में क्या सार्थक, कौन सी चीजें तुम्हें नीचे खींच रही हैं और कौन सी चीजें तुम्हें ऊपर उठा रही हैं, तुम जरा गौर से देखोगे दिखाई दे जाएगा। शिव कह रहे हैं कि यही विवेक लाना है, और ये न देख पाना ही माया बनता। माया का अर्थ इल्यूजन, भ्रम, कि तुम देख ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो इल्यूजन तुम्हारे सामने पैदा हो गया। और जब तुम अनुभव से गुजरोगे तो सार्थक का अपना गहरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर है, उसे तुम अनुभव कर पाओगे। अब मान लीजिए भोजन की ही बात, अगर तुम जागरूक हो तो तुम कुछ दिनों में ये भी जान लोगे कि तुम्हारे लिए क्या भोजन उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। क्या तुम अपने शरीर में डालोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, क्या तुम अपने शरीर में डालोगे तो शरीर को समस्या होगी, अड़चन होगी, और क्या अपने शरीर में डालोगे तो शरीर ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा स्वस्थ अनुभव करेगा। कुछ दिनों में तुम इस तथ्य से परिचित हो जाओगे। इसी को तुम और सूक्ष्म करोगे तो अपने मन के प्रति भी तुम ये जान लोगे कि तुम्हारा मन भी कुछ विशेष विचारों, विशेष परिस्थितियों में बड़ा सहज, सुलझा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ होता है, और कुछ विचार, कुछ स्थितियाँ तुम अपने मन में डालते हो तो वो अशांत हो जाता है, उलझ जाता है, तो तुम चुन लेते हो, तुम उन बातों में नहीं पड़ते हो, तुम्हारा चुनाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे शरीर का भोजन है ऐसे ही मन का भी भोजन है, विचार है मन के भोजन है। जो तुम सामग्रियां खाते हो भोजन की, वो तुम्हारे शरीर के लिए भोजन है। तो तुम ऐसे वैसे सारे विचार नहीं खा जाओगे। आमतौर से तुम विचारों की एक व्यापक जगत के बीच में रह रहे हो, हर किस्म का विचार तुम्हें उपलब्ध है, और अगर तुम अपने आप को छोड़ दो तो सब कुछ तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा और तब सब धुंधला हो जाएगा। इस धुंधलेपन को ही माया कहते हैं, कि तुम ठीक से देख ही नहीं पा रहे। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ही मैं ये कहता हूं कि जिस व्यक्ति को ये पता ही ना चले कि उसे क्या चाहिए। अगर भगवान अभी किसी के सामने प्रकट हो जाए और उससे कहें कि मांग लो वरदान, बहुत से लोग अड़चन में पड़ जाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं कि मांगना चाहिए। तुम कोई तात्कालिक बात जिसमें अभी उलझे हो उसके सिवा आगे जा नहीं पाओगे, बड़ी मुश्किल। तो वो व्यक्ति सही अर्थों में साधक है जो धीरे धीरे इस विवेक को उपलब्ध होने लगता है कि जीवन में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और तुम देखो उलझन कितनी सरल हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद कितना कम हो जाता है जब तुम ये जान जाते हो कि तुम इस रास्ते पर नहीं जाना, तुम इस रास्ते पर जाना है, कोई उलझन ही नहीं। अब लोग जा रहे हैं उस रास्ते पर, लेकिन उनको देखकर तुम विचलित नहीं होते कभी, क्योंकि तुमको पता है तुम्हें नहीं जाना, तुम शांत। लेकिन कभी कभी तुम्हें लगे कि पता नहीं जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, तो तुम विचलित। माया अर्थात भ्रम का आवरण ऐसे ही तुम्हें घेरता है। फिर से कहते हैं कि मोह आवरण से युक्त व्यक्ति को सिद्धियां तो फलित हो जाती हैं लेकिन आत्मज्ञान नहीं। माया का ही बाई प्रोडक्ट मोह होता है। मोह का अर्थ है एक किस्म की बेहोशी से भर जाना। और अगर बेहोशी से भरा हुआ व्यक्ति साधना करे तो उसको भी कुछ उपलब्धियां होंगी। शिव कहते हैं कि उसे भी सिद्धियां उपलब्ध हो सकती हैं, आत्मज्ञान नहीं हो। सिद्धियां कोई बड़ी चीज नहीं,
लेकिन लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं। सिद्धियों का तात्पर्य है कि जीवन की कुछ सफलताएं मिल जाएंगी, कुछ मानसिक क्षमताएं मिल जाएंगी, लेकिन उनसे कुछ बहुत बनने बिगड़ने वाला नहीं। मोह है तुम्हारे भीतर, एक बेहोशी है चीजों को अपना मानने की, कुछ को अपना बनाने की तुम्हारी भ्रमपूर्ण मान्यताएं हैं, इच्छाएं हैं। मोह का अर्थ है कि ये मेरा है, और अंतर्दृष्टि कहती है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम्हारा तो शरीर भी नहीं है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तो तुम किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को जब अपना मानकर उससे ग्रस्त हो जाते हो तो तुम मोह में पड़ जाते हो। प्रेम इससे विपरीत है। प्रेम में तुम अपना नहीं मानते, मेरा है ऐसा नहीं मानते, तुम उससे वननेस अनुभव करते, एकत्व अनुभव करते। एकत्व अनुभव करना, वननेस अनुभव करना और उसे मेरा मानना, इनमें बहुत भेद है। जब मेरा मानते हो तो उसे तुम मेरा नहीं भी मान सकते। इसीलिए मोह एक दुष्चक्र में घूमता है, मित्रता और शत्रुता के दुष्चक्र में घूमता है। जो आज बड़ा प्रिय मित्र है कल बड़ा गहरा शत्रु हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू, जिससे तुम प्रेम करते हो एक दिन उसी से घृणा करने लग जाते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए प्रेम और घृणा साथ साथ चलते हैं। वो कहते हैं वो साथ ही रहते हैं। उनका तो ये कहना है कि तुम जिससे प्रेम कर रहे हो उसे कंटिन्यूअस घृणा भी कर रहे हो, एक अर्थ में वो सही भी है। मोह का यही आवरण है। लेकिन जो व्यक्ति मोह में है वो प्रेम में नहीं। प्रेम ये है कि तुम मेरा मानने की भावना से अलग हट गए हो, क्योंकि तुमने ये देख लिया है कि मेरा किसको मान, एक एक क्षण बहा जा रहा है, तुम किसी भी क्षण को तो पकड़ नहीं सकते। और ये कितना चमत्कार है कि तुम किसी के साथ हो, वो भी बहा जा रहा है, तुम भी बहे जा रहे हो, और फिर भी कोई तरंग है जो तुम्हें जोड़ती है। कहीं भीतर कोई ऐसा सेतु है और वही सेतु चेतना है, यानी कि प्रेम में आत्मा का अनुभव होता है, चेतना का अनुभव होता है। तो जो व्यक्ति मोह से भरा है वो प्रेम तक कभी पहुंचता नहीं। आत्मज्ञान का दरवाजा, उसका जो द्वार है वो प्रेम ही है। प्रेम के द्वार से गुजरे बिना कोई आत्मज्ञान में जाता है। मोह के धरातल से गुजरकर सिद्धियों के जगत तक तो चला जाता है व्यक्ति, क्योंकि सिद्धियां बड़ी बात नहीं है। अगर हम तुमको आध्यात्मिक सिद्धियों की बात बताएं तो वो भी बहुत सरल है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पतंजलि भी बहुत सारी सिद्धियों की, विभूतियों की बात करते हैं, वो मानसिक शक्तियां हैं। तो एक विशेष किस्म की मानसिक व्यवस्था को निर्मित करके अपने मन को शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिद्धियों में रस ले रहा है वो दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। जो दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है वो सूक्ष्म हिंसा में है, क्योंकि जब तुम किसी दूसरे को प्रभावित करना चाहते हो तो एक किस्म से आक्रामक होते हो, लेकिन जब तुम प्रेमपूर्ण होते हो तो तुम किसी को प्रभावित करना ही नहीं चाहते। और ये अलग बात है कि बहुत से लोग तुमसे प्रभावित हो जाते हैं। सिद्धियां प्रभावित करने की ही आकांक्षा है, सिद्धियां शक्ति अर्जित करने का एक उपाय है। तुम सांसारिक रूप से भी शक्ति अर्जित करो, पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, वो भी एक किस्म की सिद्धि ही है। तुम्हारे पास बहुत धन हो, पद हो, वो भी एक किस्म की सिद्धि है। तुम्हारे पास एक शक्ति है, तुम उससे दूसरों को प्रभावित करना चाहो, इसीलिए व्यक्ति उनके पीछे भागता है। तुम बहुत ज्ञान अर्जित कर लो, ज्ञान का तात्पर्य यहां आत्मज्ञान नहीं है। जैसे कुछ लोग हर बात का उत्तर दे देंगे, वो बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, और वो अपने विद्वता का उपयोग भी एक हथियार की तरह, वेपन की तरह दूसरे पर आक्रमण करते।
मकसर ऐसे लोग पाओगे तो अपनी विद्वता से तुमको ऐसे निरस्त्र कर देंगे और फिर उसका आनंद लेंगे, उसका मजा लेंगे। वो ज्ञान को पाना भी एक सिद्धि है। तुम बड़े तर्क कुशल हो, अपने सामने अपनी विद्वता के आगे तुम किसी को ठहरने नहीं दे सकते, लेकिन इसकी जरूरत भी क्या है। आत्मज्ञान ऐसा अनुभव है जो किसी संघर्ष में है ही नहीं, और सिद्धियों का जगत निरंतर संघर्ष। शक्ति हमेशा रिलेटिव होती है, किसी भी व्यक्ति घटना या स्थिति के सापेक्षता में होती है। अपने आप में शक्ति का कोई मूल्य ही नहीं। यानी कि तुम बहुत शक्तिशाली होना चाहते हो, क्यों? किसी रिलेटिविटी में, किसी सापेक्षता में, किसी व्यक्ति को तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम किसी व्यवस्था को, किसी समाज को दिखाना चाहते हो, और कल्पना करो ना, वो व्यक्ति ही ना रहे, वो जिस गांव में तुम पैदा हुए वो रहे ही ना, तो सिद्धि का मजा भी नहीं रहेगा। इसीलिए अक्सर सिद्ध लोग अपने गांव लौटने की ख्वाहिश रखते। हर किस्म की सिद्धि, किसी दिन बहुत पैसा जब हो जाएगा तो किसी बड़ी गाड़ी में तुम अपने गांव लौटोगे, तब लोग दूर से तुम्हें देखेंगे, अच्छा ये वही व्यक्ति था जो यहाँ छोटे से घर में रहता था। देखो, तुम बहुत किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे, तब तुम किसी दिन चाहोगे कि सीधे हेलीकॉप्टर अपने घर के आगे उतारे, सारे देख रहे हो तुम, आसपास लोग इसी में लगे। तुम बहुत बड़े साधु हो जाओगे, तब भी वहीं लौटना चाहोगे। हर व्यक्ति की दिली ख्वाहिश होती, देखो वो रिलेटिव। कई लोग ऐसे भी तुम्हें देखने में आएंगे जो बुद्धत्व पाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उनको कुछ लोगों को बताना है कि मैं बुद्धत्व को उपलब्ध हूं। और कभी कभी मैं सोचता हूं एक गणित, ये इक्वेशन कितनी विचित्र है और कितनी हास्यास्पद है। अगर कुछ लोगों के जीवन से कुछ लोग हटा दिए जाएं तो बुद्धत्व को उपलब्ध होना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को बताना है कि मैं मूर्ख नहीं था, मैं बुद्धू नहीं था। अब वो लोग भी ना रहे तो तुम्हें भी कौन सी बेचैनी रह गई बुद्धत्व को उपलब्ध करने। शक्ति सिद्धि हमेशा सापेक्ष है और आत्मज्ञान निरपेक्ष है, सदैव है, व्यापक है। उसकी कोई सापेक्षता नहीं, वो तो एक खिलावट, एक इनर ब्लूमिंग खिल गई है। कोई उसे जानता है नहीं जानता है, महसूस करता है नहीं करता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन तुम सिद्धों को इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, उनको बहुत अंतर पड़ता है। अगर तुम ना मानो उनको तो हर कोशिश करेंगे तुम्हें मनवाने की। जब मैं छोटा था, एक बार एक ऐसे ही सिद्ध से मेरी मुलाकात हो गई। उनको कई साइकिक पावर्स थी और उनकी भरसक कोशिश थी कि मैं उनके पैर छू लूं। सारे लोग उनके पैरों पे सिर रख रख के जा रहे थे और मेरी कभी आदत ही नहीं रही ऐसी पैर छूने की, सिर रखने की। ऐसा नहीं कि उससे कोई मुझे विरोध था, लेकिन कई बार बड़ी अड़चनें हो गई मेरे साथ, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। हमने कि सिस्टम को बंद ही कर देते हैं पैर छूने की। जब मैं छोटा था तो घर में सिखाया जाता था कि सबके पैर छुओ, और रिश्तों के इतने उलझाव थे कि मैं अक्सर भूल जाता था कौन बड़ा है मुझसे, कौन मुझसे छोटा है, किसके किससे मुझे पैर छुआने, किसके छूने। तो अक्सर उलझन ही होती थी कि मैं जिसके छू गया हूँ बाद में वो आके फिर मेरे छू रहा है, क्योंकि पता चलता था रिश्ते में इनके पैर नहीं छूने थे, इनको मेरे छूने थे। मुझे लग रहा था ये बड़े लग रहे हैं, इनके तो मुझे छू लेने चाहिए। तो बड़ी और होली के आसपास, जैसे होली आने वाली, तो बहुत उलझन होती थी। सब घर मिलना होता था, लोग हमारे यहाँ आते थे, और ये तो गड़बड़ हो ही जाती थी कुछ ना कुछ। तो फिर मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा कि झंझट को छोड़ ही देते हैं, तो ये आदत खत्म हो गई धीरे धीरे। तो उन सिद्ध से जब मेरी मुलाकात हुई कुछ नहीं, और मैं देखूं कि कुछ बेचैन है, उन्होंने कई भविष्यवाणियां भी मुझे करी। फिर नीचे जब जा रहे थे सब लोग छोड़ने, तो मैं भी गया एक बड़ी सी गाड़ी में, वो थे SUV में, ऊंची सी गाड़ी थी कोई, तो वो उस गाड़ी में बैठे और मैं उनको विदा करने जब
पहुंचा तो थोड़ा हाइट के लिहाज से, ऊंचाई के लिहाज से ये कन्वीनियंट पड़ गया कि उस समय मैं भी छोटा था तो उनके पैरों के पास तक पहुंच रहा था, तो उन्होंने झट से मेरा सिर पकड़ के अपने पैरों में लगा दिया, दबा के सिर भी लगा दिया, आशीर्वाद भी दे दिया। क्योंकि सिद्ध कैसे माने कि उसके पैरों में सिर न रखा जाए, उसको अड़चन हो जाती, बेचैनी हो जाती। शक्तियां ऐसी हैं। तो शिव कहते हैं कि अगर मोह आवरण है तो सिद्धियां तो आ जाएंगी, तुम कुछ मानसिक शक्तियां भी अर्जित कर लोगी, लोग तुमसे प्रभावित भी होने लगेंगे, लेकिन आत्मज्ञान नहीं। आगे कहते हैं शिव कि स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। स्थायी रूप से शिव ने इसलिए उपयोग किया शब्द, शिव और बुद्ध जैसे सद्गुरु बहुत वैज्ञानिक हैं, वो एक एक शब्द बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन की तरह लिखते हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की तरह। वो कह सकते थे कि मोह जय होने पर विद्या फलित होती है, लेकिन वो कह रहे हैं स्थायी रूप से मोह जय होने पर विद्या फलित होती है, यानी कि जब स्थायी रूप से एकदम अंतिम रूप से तुम विवेकपूर्ण होते हो, व्यर्थ और सार्थक के भेद को जान लेते हो, जीवन में क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक, एक दिन स्थायी रूप से तुम्हें अंतर्दृष्टि आ गई, अब कुछ भ्रम न रहा। जैसे अगर कोई किसान है, वो खेती करना जानता है, तो एक दिन स्थायी रूप से वो जान लेता है कौन खरपतवार है और कौन फसल है। तो नहीं जान पा रहा है तो फसल उसकी ठीक से कभी ना होगी, स्थायी रूप से वो समझ गया है तो अपना काम कर रहा है। ऐसे तो जीवन में किसी घटना दुर्घटना पर अक्सर लोग मोह रहित हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वैराग्य में चले जाते हैं, लगता है कोई मोह नहीं, कोई जरा सा दुख दे दे, कोई जरा सा भला बुरा कह दे, तो सब इसी ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं, कौन अपना है कौन पराया है, यहाँ सब माया है। लेकिन स्थायी रूप से तुम बिल्कुल एक दिन समझ गए कि ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं, इस परत के भीतर कुछ ऐसा है जो पाने जैसा, और तब विद्या फलित होती है। जिसे वो कह रहे हैं विद्या का अर्थ अंतर्दृष्टि, अंदर से कोई होश जागता है, अंदर से कोई रोशनी फूटती है और तुम कहीं एक भिन्न जगत में, तुम किसी भिन्न आयाम में ऊपर उठ जाते कि तुम्हें अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, तुम्हें अब कोई भी भ्रम नहीं रह गया है, तुम्हारे भीतर रोशनी का स्रोत तुम्हें उपलब्ध हो गया है, और वही आनंद की स्थिति। शिव कहते ऐसे ही योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा आभास होता है, यानी कि वो उस वननेस को, उस एकत्व को उपलब्ध हो जाता है, उस विस्तार को उपलब्ध हो जाता है। विस्तार को वही व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है जो अपने भीतर की सीमाओं को गिरा चुका होता है, कोई सीमा ही ना रही, सब तुम्हारा ही विस्तार है, यानी कि तुम देख पा रहे हो कि जीवन जैसा है उसको तुम ही ने बनाया है, वो तुम्हारा ही क्रिएशन है, यू आर द क्रिएटर, तो सब तुम्हारा ही विस्तार हो, तुम्हारी ही किरणों का प्रस्फुरण है, अर्थात तुम्हारी ही रोशनी हर ओर फैल रही। पहले तुम्हारा ही अज्ञान टकराकर तुम तक लौट रहा था, अब तुम्हारी ही रोशनी टकराकर तुम तक लौट रही, वो हर ओर फैल रही। जब तुम अपने अंदर कभी प्रेम पूर्ण हो जाओ, गहरे से इस होश से भर जाओ, अपने प्रति ही इस प्रेम पूर्ण प्रकाश से भर जाओ, तो तुम जल्दी ही पाओगे कि ये प्रेम और ये प्रकाश हर ओर से तुम तक लौट रहा है। हर कोई अब तुम्हें भिन्न दृष्टि से देखने लगा, पूरा जगत बदल गया, और ये अपनी ही किरणों का जो विस्तार है, इसको कहने में शिव फिर वही बात कह दे रहे हैं, आत्मा ही चित्त है, अर्थात कि जब से तुम्हारा ही विस्तार है तो कुछ भी निंदा योग्य नहीं, तुम किसी भी बात की निंदा में नहीं जाते,
तुम्हें परम स्वीकार में जाते हैं और तुम्हारा स्वीकार ही सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे पास कोई व्यक्ति है और तुम उसे सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहे हो और वो सुधर जाते, तुम बस उसको स्वीकार करते। लोग विक्षिप्त क्यों होते, इस पर मनोविज्ञान की अपनी दृष्टि है और अध्यात्म की दृष्टि अपनी। अगर शिव की दृष्टि से कहें तो जिस व्यक्ति के भीतर जितना कम स्वीकार बोध है, जो व्यक्ति जितना कम इस बोध में है कि ये जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, वो उतनी ही विक्षिप्तता है। और जिस व्यक्ति के भीतर स्वीकार का बोध बढ़ रहा है, वो विक्षिप्तता से मुक्त हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे लगता है कि किसी विक्षिप्त व्यक्ति की चिकित्सा भी करनी हो और वो कहीं पर हो और उसको लोग स्वीकार कर, जैसा है उसको वैसा का वैसा स्वीकार करने और वो सुधरना प्रारंभ हो जाए, इनकार ही लोगों को बीमार बनाता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। और जब सब तुम्हारा ही विस्तार है तो तुम कई बार देख सकते हो कि ठीक है, इसको तो इस ढंग से ठीक किया जा सकता है। तुम्हें अपनी अंतर्दृष्टि होगी, जैसे तुम्हें अपना घर अपना विस्तार लगता है तो तुम घर के किसी कूड़े करकट जाले गंदगी से परेशान नहीं होते, तुम बड़े आराम से उसको हटा देते हो, तुम्हारा घर अच्छा रहता है। तुम दूसरे को घर को अपने घर का विस्तार नहीं मानते, और रेलवे प्लेटफार्म या कहीं कोई सड़क उसको तो बिल्कुल ही नहीं मानते, तो उसको तुम जैसे चाहो वैसा दुरुपयोग कर लेते हो, गंदा बना देते हो, और वो वही विक्षिप्तता की स्थिति है। लेकिन अगर तुम उसको भी अपना ही विस्तार मान रहे हो तो उसको भी गंदा नहीं बनाओ, वो भी सुंदर हो जाएगा। तो जब सब तुम्हारा ही विस्तार है, योगी को ही अनुभव में आ गया, तो वो एक रूपांतरणकारी शक्ति बन जाता है। वो जिधर देखता है उधर रूपांतरण हो जाता है, वो दृष्टि ही रूपांतरित करता है। एक सद्गुरु की यही प्रक्रिया है, वो जब तुम्हें देखता है तो तुम्हें ऐसे नहीं देखता कि तुम कोई पापी हो, अज्ञानी हो। ये तो सिद्ध लोग जिनके शिव ने पहले चर्चा की, मोह आवरण से युक्त सिद्धियों को उपलब्ध लोग, वो तो तुम्हें इतनी निंदा में, इतने अपराध बोध में डाल देंगे, फिर तुम्हें साधना के उपाय बताएंगे। और सद्गुरु तुम्हें सारे अपराध बोध से मुक्त कर, उसकी उपस्थिति ही तुम्हें अपराध बोध से मुक्त कर देती है, किसी भी प्रकार के बोझ से, बंधन से मुक्त कर देती है। क्योंकि वो देखता है कि तुम भी तो उसी के ही विस्तार, तो कोई अड़चन नहीं, थोड़ी देर से ही सब ठीक हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए। और ये भाव ही तुम्हें परम स्वास्थ्य में ले जाता है। आज के लिए इतना।